अग्रवाल परिवार में बड़े दिनों बाद कोई खुशी की खबर आई थी, क्योंकि बड़े बेटे वीरेन का रिश्ता जो तय हो गया था। शांति इस खुशी को किसी की नजर ना लगे इसलिए अभी किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अभी तक वीरेन के रिश्ते पक्के होने की खबर किसी को नहीं दी थी। मम्मी, आपने मिठाई बंटवाई की नहीं? मिठाई किस बात की? अरे भैया का रिश्ता तय हो गया है, इतनी बड़ी खुशी की बात है, मिठाई तो बंटनी है कि नहीं? अरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। अभी बस भैया का रिश्ता तय हुआ है, सगाई नहीं हुई। ऐसे बातें बाहर नहीं बताते, लोगों की नजर लग जाती है, इसलिए मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने तो इससे पहले कि वो कुछ कहती फोन बजता है। हेलो, हाँ जी जी, कैसी हैं आप? अरे हम कैसे हैं, वो छोड़ो, बधाई हो, वीरेन का रिश्ता तय हो गया ना? क्या 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 नहीं हुआ क्या? अरे हाँ हाँ जी जी, रिश्ता तय हो गया है, सही कहा आपने। हाँ, लवली ने फोन किया था, आज उसी ने बताया, हमने तो रिश्तेदारों में सबको बता दिया। बोलो। अच्छा अच्छा, बड़ी फास्ट निकली आप तो जी जी। अरे मिठाई कब भेज रही हैं? बस जी जी, कल ही भेजती हूँ आपकी पसंद की। हाँ जल्दी भेजो, और सुनो सबको भेज देना मिठाई, हमने सबको बता दिया है कि हमारे भतीजे का रिश्ता तय हो गया है। ठीक है जी जी, प्रणाम, फोन रखते हैं। अरे तुझे क्या? इससे पहले कि शांति कुछ कहती जानकी आ जाती है। अरे कहाँ होने वाली सासुमा जी? अरे यहीं है हम, आओ आओ जानकी। अरे बातें बातें बाद में करना, पहले बहू का फोटो दिखाओ और मिठाई खिलाओ, चलो। अच्छा तो तुम्हें भी पता चल गया क्या? अरे लवली ने ही तो बताया सबको, बाहर आई थी चीख रही थी, अब मैं ननद बनूंगी ननद बनूंगी, सारे मोहल्ले को पता चल गया है। अरे ये तो अच्छी बात है, सबको पता चल गया है, हम भी बताने ही वाले थे, पर हमारे लवली के पेट में खाने के अलावा कुछ पचता ही नहीं, क्या करें। चलो चलो, अब मिठाई खिलाओ। हाँ हाँ ज़रूर, हम बस मंगवाने ही वाले मिठाई, अब तो पूरे मोहल्ले को बांटनी पड़ेगी, ये हमारी लवली ही देने आ जाएगी सबको। ठीक है हम चलते हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं मिठाई का। प्लीज़ 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 मानना मत, प्लीज़, हमें क्या पता था कि नहीं बतानी है बात। चलो अभी ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब बता ही दियो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इतनी सारी मिठाई मंगवानी पड़ेगी, सबको बांटनी पड़ेगी, अब तुम ही जाना हर किसी के घर मिठाई देने, समझी? जी। शांति सबको मिठाई बंटवा देती है और साथ ही साथ शादी का मुहूर्त भी निकलवा ही दिया, क्योंकि वो भी चाहती थी कि अब उसके घर भी जल्दी से बहू आ जाए जो उसका घर संभाल ले, इसलिए 2 महीने के अंदर ही उसने वीरेन और नायरा की शादी भी करवा दी। शादी के बाद मैं तो इतनी खुश हूँ कि अब नायरा आ गई तो घर की जिम्मेदारी वही संभाल लेगी। जी माँ जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगी बेटा। अरे मम्मी, आपको पता है वो पिछली गली में जो राधिका आंटी रहती है ना, उनकी बेटी की भी अभी अभी बस 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, वो भी अपनी बहू से यही कह रही थी, अब तो बहू आ गई है, सब कुछ संभाल लेगी। हाँ तो बहुएं होती है इसीलिए। अरे मम्मी, उनकी बहू तो 3 महीने भी नहीं रुकी, उनका बेटा लिया, गहने लिए और चल दी अपने मायके, अब बेचारी ऐसे ही अकेले रहती है घर में। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी सच में। अरे नहीं बेटा, मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो। वो राधिका आंटी भी अपनी बहू से यही कहती थी। अरे लवली। अरे मम्मी वो छोड़ो, आपको पता है हमारे पीछे वो सुषमा आंटी का मकान है ना, उनकी बहू ने तो कमाल ही कर दिया, शादी के अगले दिन ही उनको घर से निकाल दिया। बोलो। मम्मी जी मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। वो भी ऐसा ही कहती थी शादी के पहले। अरे नायरा, तुम इस लवली की बात को दिल पे मत लो, ये ऐसी ही है। हाँ बेटा, ये तो बस यूं ही बात कर रही है, तुम्हारे लिए नहीं कह रही है, पता नहीं दुनिया भर की खबर कैसे आ जाती है इसके पास। लवली तू ना बिग बॉस थोड़ा काम देखा कर, समझी? अरे हाँ भाभी, मैं आपके लिए नहीं कह रही थी, मैं तो बस बता रही थी कि आजकल की बहुएं पहले कहती हैं हम सीधे हैं, लेकिन फिर जलेबी निकलती हैं। क्या? अरे बहू कुछ नहीं, तुम जाओ खाना बना लो, हम सब आते हैं। जी मम्मी जी। लवली कुछ भी बोलती है कहीं भी, जा चल अपना काम कर, जा वो रील बना जो सारा दिन बनाती है ना, जाकर। नायरा के घर में आने के बाद से शांति बहुत खुश थी, नायरा ने अपने प्यार से सबका मन भी जीत लिया था। नायरा देखते देखते तुम दोनों की शादी को 1 साल भी हो गया,
शादी की सालगिरह मुबारक हो बहू। थैंक यू मम्मी जी। आर्यन, बहू को आज कहीं घुमा लाना, ठीक है? मैं भी चलूंगी साथ में। पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। अरे तुझे क्या करना है इनके बीच में जाकर? हाँ जो वो लोग करेंगे घूमेंगे और क्या। अरे पगली, तुझे कबाब में हड्डी बनने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ चलना, हम घुमाएंगे, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहो फिर। वैसे मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो कि बच्चे के लिए तुम दोनों पर जोर डाले, लेकिन अब शादी को एक साल हो गया है तो तुम दोनों को जब सही लगे तब बच्चे के बारे में सोचना जरूर। मम्मी जी, मेरा भी यही मानना है कि बच्चा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हम भी बच्चे के बारे में सोच ही रहे हैं। अरे वाह, फिर तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा जब तुम दोनों तैयार हो तब ये फैसला ले लेना, कोई दबाव नहीं है। हाँ मुझे भी बुआ बनना है भाभी जल्दी से। लवली, वैसे जल्दी से तो कुछ नहीं होगा, 9 महीने तो लगेंगे। अरे पागल है ये लड़की। नायरा खुद भी बच्चे के लिए तैयार थी जानकर शांति भी काफी खुश हो जाती है, लेकिन उसे ये खबर इतनी जल्दी मिलेगी उसने सोचा नहीं था। माँ, माँ कहाँ हो? अरे क्या हुआ, क्यों इतनी चिल्ला रही है? अरे माँ, मैं बुआ बनने वाली हूँ और अब दादी। क्या, भाभी प्रेग्नेंट है? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी जल्दी सुन लेंगे। अरे माँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने कितने सारे रील बना दिए कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। क्या, अरे पागल लड़की, किसने कहा था कि रील बना? तेरे रील पूरा खानदान देखता है। हे भगवान, जब अकल बढ़ रही थी तब भी तू रील ही बना रही होगी। अरे शांति कहाँ है? ये लो बुआ जी तो घर पर ही आ गई। हाँ यही हूँ बुआ जी, बस अभी आई। अरे मैं तो लवली का वीडियो देखते ही भागती हुई आई हूँ। कहाँ है मेरी नायरा बहू, उसका चेहरा तो देख लूँ मैं। भाभी अपने कमरे में है, उल्टी हो रही है ना उन्हें सुबह से। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ऐसी हालत में तो उल्टी होती रहती है। बुआ जी आप? नमस्ते बुआ जी। अरे बस बस, झुका मत कर। और तू नीचे क्यों आई? मैं आ रही थी ना मिलने तुझसे। पहले यहाँ आ जा, गले मिल मेरे। बहुत खुश हूँ मैं आज तेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर। नायरा, आज तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है बेटा, सच में। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। नायरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सारा परिवार जैसे झूम उठा था। शांति ने खुश होकर नायरा को सोने के कंगन दिए। ये ले सोने के कंगन बेटा, आज जो तूने मुझे खुशी दी है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। नायरा बहू, ये देख, मैं तेरे लिए माता रानी का प्रसाद लाई हूँ, और ये काला धागा भी, ये तुझे बुरी नज़र से दूर रखेगा। थैंक यू बुआ जी। और ये देख, ये दुपट्टा कैसा है? ये तो बहुत सुंदर दुपट्टा है बुआ जी, सच में। अरे ये जब तेरी गोद भराई होगी ना, तब मैं तुझे पहनाऊंगी, देखना। हाँ हाँ, इसकी गोद भराई तो इतनी धूमधाम से करेंगे कि सारा खानदान देखता रह जाएगा। अरे तू खड़ी क्यों है? आजा बैठ जा बेटा, इस हालत में ना ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहते। जी बुआ जी, मैं बैठती हूँ, आपके लिए बस नाश्ता बना दो। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज सब कुछ नायरा बहू की पसंद का बनेगा। हाँ नायरा, आज तू कुछ नहीं करेगी, बस हमारे साथ बैठेगी और आराम करेगी। जी माँ जी। नायरा की प्रेगनेंसी की खबर उसके मायके वालों तक भी पहुंच गई थी, और इस खबर से भावुक होकर नायरा की माँ कौशल्या उनसे मिलने आती है। अरे मेरी बच्ची नायरा, पहले तेरी नज़र तो उतार लूँ मैं, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। अरे समदन जी, आपको बधाई हो, आप नानी बनने वाली हैं। अरे बहन जी, आपको भी बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे ये खबर सुनने को मिलेगी। अरे जब नायरा ने कहा था कि हम पहले से बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, तब मुझे लगा नहीं था कि 2 दिन में ही मुझे ये खबर सुनने को मिल जाएगी। अरे नायरा, मैं तो बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, मुझसे तो रहा ही नहीं गया जब मैंने लवली का वीडियो देखा बुआ बनने वाला। पहले मैं सीधा गई मंदिर, वहाँ से तेरे लिए प्रार्थना करके आ रही हूँ, और ये देख, ये तेरी पसंद के सारे फल लेकर आई हूँ। माँ, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अरे ऐसे कैसे, तूने इतनी बड़ी खबर सुनाई हमें, अब तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे तो हम तेरा और भी ख्याल रखेंगे बेटा। शांति, अब रोज नायरा बहू की पसंद का खाना बनेगा, ठीक है? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आज से ही नायरा को जो पसंद है वही बनाएंगे हम इस घर में।
और जब तुम मायके आएगी ना रहने, तब मैं तेरी खूब देखभाल करूंगी। अरे बहन जी, मैं तो मेरी बहू को 9 महीने यहीं रखने वाली हूँ, आपके घर नहीं भेजूंगी, माफ कीजिएगा। अरे ऐसे कैसे बहन जी, मेरा भी तो मन है कि मैं मेरी बेटी की देखभाल करूँ, उसे प्यार करूँ, उसे खिलाओ पिलाओ। अगर आप इसे मायके नहीं भेजेंगी तो मैं ही यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी, और क्या। हाँ ये भी बुरा आइडिया नहीं है। सब लोग बातें कर रहे थे कि पड़ोस की जानकी भी हाथ में डिब्बा लेकर आ जाती है। अरे जानकी आज क्या लेने आई है, वैसे आज तू मांगेगी वो मैं तुझे दे दूंगी, जो मांगना है मांग ले। अरे आज मैं कुछ मांगने नहीं बल्कि लेकर आई हूँ। क्या बात है, आज सूरज उल्टी दिशा से कैसे निकला। अरे मैं तुझे बधाई देने और नायरा बहू के लिए देसी घी के लड्डू लाई हूँ, खास मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या, तूने देसी घी के लड्डू अपने हाथों से बनाए। हाँ हमारी नायरा बहू प्रेग्नेंट है तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है ना पड़ोसी होने के नाते। नायरा बहू ये लड्डू ना बहुत ताकतवर होते हैं, मैं तुझे 10 के 10 महीने ये बनाकर खिलाऊंगी, देखना। जानकी तूने मुझे इतने सालों में आज तक एक कप चाय नहीं पिलाई, आज नायरा के लिए देसी घी का लड्डू लेकर आ गई। हाँ तू हमारी मोहल्ले की बड़ी बहू है नायरा, मेरी भी बहू की तरह हुई ना ये, इसलिए मैंने स्पेशली उसके लिए लड्डू बनाए हैं। देखा बेटा, तेरी खुशखबरी ने तो जानकी को भी बदल दिया। अरे मैं तो पहले से ऐसी हूँ, सबको खिलाती पिलाती रहती हूँ। हाँ हाँ खिलाती होगी, शायद हमने ही नहीं देखा होगा। चलो अब वो सब छोड़ और जल्दी से मिठाई खिला। अरे मैं तो इस खुशखबर में मिठाई भूल ही गई, मैं अभी वीरेन को फ़ोन करती हूँ कि वो सबके लिए मिठाई लेकर आए। शांति वीरेन को फ़ोन करती है और बड़े खुश होते हुए कहती है, मिठाई लेकर आना बेटा। मिठाई मिठाई लेकिन क्यों। अरे अब बन मत, सबको पता चल गया है तेरी खुशखबर का, चल जल्दी आ जा मिठाई लेकर, सब लोग यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस मैं आ ही रहा हूँ नायरा की दवाई लेकर। चल रखती हूँ फोन। वीरेन थोड़ी देर बाद घर में आता है जहाँ देखता है कि सब लोग वहाँ मौजूद थे। वीरेन यहाँ बेटा, मुझे बधाई तो देने दे तुझे। बधाई किस बात की बुआ जी। अरे तू बाप बनने वाला है। भाई अब बनो मत, चलो सबको बता दो। ये क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा। वीरेन को देखकर नायरा जोर जोर से रोने लगती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो। मम्मी जी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने बस उस दिन कुछ बाहर का गलत खा लिया था, इसलिए मुझे सुबह से उल्टी और चक्कर हो रहे थे, लेकिन पता नहीं लवली ने क्या सुना कि उसने सबको ये बता दिया। मैं आप सबको बता ही नहीं पा रही थी क्योंकि आप सबकी खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगा आप सब उदास हो जाएंगे। लवली तुझे किसने कहा कि नायरा प्रेग्नेंट है। वो मैं सुबह को यहाँ से जा रही थी तो भाभी कब से उल्टी कर रही थी, उन्हें चक्कर भी आ रहे थे और आपसे कह रही थी ना उन्हें कुछ नींबू चाहिए, तो मुझे लगा ये सब तो प्रेगनेंसी में होता है तो मैंने इसलिए रील बना दी। नायरा एक बार हमसे पूछ तो लेती, तेरी इस बिना समझे ढिंडोरा पिटने की आदत ने देखा आज क्या कर दिया, अब सब लोग कितने उदास हैं। लवली तुझे कितनी बार कहा है, जब तक किसी की जानकारी पूरी तरह से समझ में ना आए तब तक कुछ भी मत कहा कर, बिना सोचे बिना समझे कुछ भी कहती रहती है, कुछ भी पोस्ट कर देती है, किसी की कहा सुनी दूसरों को पहुंचाती रहती है, इसकी बहू ने ये किया उसकी बहू ने वो किया, तुझे पता है इस तरह की समाज में अफवाह फैलती है। देख आज तेरी वजह से बुआ जी जानकी ये सब कितने परेशान हो गए, कितने दुखी है अब। मुझे माफ़ कर दीजिए बुआ जी, जानकी आंटी, मेरी बेवकूफ़ की वजह से आप दोनों को दुख हुआ। लवली आज तो ये कोई छोटी बात थी, हम घर वालों के बीच ही रह गए, लेकिन भविष्य में कोई भी बात को पहले समझो फिर ही किसी को बताओ, और वो भी जब ज़रूरी हो तभी बताओ वरना अपने तक ही रहने दो। जी बुआ जी मैं समझ गई। नायरा तुम्हें भी हमें पहले बता देना चाहिए था बेटा, किसी को दुख ना देना अलग बात होती है लेकिन किसी को अंधेरे में भी नहीं रखना चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। चलो अब जो हो गया सो हो गया, आगे से तुम दोनों ध्यान रखना इस बात का। अब जब बड़ी बहू प्रेग्नेंट नहीं है तो मैं ये लड्डू वापस ही लेकर जाती हूँ। निर्मला जी की 2 बहुएं थी, बड़ी बहू थी सुरभि और छोटी बहू थी अनन्या। बड़े बेटे का नाम था सुमित और छोटे बेटे का नाम था देवेश। वैसे तो निर्मला जी के घर में सब कुछ ठीक था,
लेकिन बड़े बेटे देवेश की शादी को 7 साल हो चुके थे और छोटे बेटे सुमित की शादी को 5 साल। एक तरफ जहां अनन्या और सुमित के 2-2 बच्चे थे, वहीं दूसरी तरफ सुरभि और अमित की शादी के 7 साल पूरा होने के बाद भी एक भी बच्चा नहीं था। इसकी वजह से अनन्या की जिठानी यानी कि घर की बड़ी बहू अक्सर बहुत उदास रहा करती थी। एक दिन शाम के वक्त जब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, निर्मला जी बहुत उदास हो गई। अनन्या के बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है, काश सुरभि की भी गोद भर जाती तो इस घर की खुशियां लौट आती। कोई बात नहीं मम्मी जी, देखना एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि सुरभि भाभी को भी 1 नहीं 2-3 बच्चे होंगे। कैसी बात करती हो अनन्या, बंजर जमीन पर भी कभी हरी फसल उगती है क्या? अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि सुरभि के अंदर ही कोई परेशानी है। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आप ठीक कहती हैं मम्मी, सुरभि के शरीर की परेशानी की वजह से मैं जिंदगी में कभी बाप बनने का सुख नहीं भोग पाऊंगा। ऐसा क्यों कहते हैं जेठ जी, हमारे दोनों बच्चे भी तो आपके बच्चों के जैसे ही है ना। अनन्या ठीक कह रही है भैया, आप बबलू और पिंकी को भी तो प्यार कर सकते हैं, वो भी तो आपके बच्चों की तरह ही है। देखो देवेश, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, बबलू और पिंकी भी मेरे ही बच्चों की तरह है, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी हर इंसान का सपना होता है कि अपनी खुद की औलाद पैदा हो, और बस मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए सुमित, मेरी वजह से आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। माफी मांगने से क्या होता है बहू, अब जो हो गया वो तो हो गया। लेकिन मम्मी जी, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, गलती तो हमारी किस्मत की है, सुरभि की जगह कोई और लड़की बहू बनकर आई होती तो शायद इस घर में 2 की जगह 4-5 बच्चे खेल रहे होते। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कहती है। हाँ वैसे भैया और मम्मी की बात तो ठीक है, भाभी के शरीर में प्रॉब्लम की वजह से बेचारे भैया भी कभी बाप नहीं बन पाएंगे। सब लोगों की बात सुनकर सुरभि उदास हो जाती है और अपनी जगह से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अनन्या समझ गई थी कि सुरभि को सबकी बातें अच्छी नहीं लगी, वो पीछे पीछे सुरभि के पास जाती है कमरे के अंदर। क्या भाभी, खाना बीच में छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? तुमने सुना नहीं अनन्या, बच्चा ना होने के पीछे सबको लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब तुम्हें बताओ, मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, अगर पता होता तो मैं शायद कभी शादी नहीं करती। ऐसा नहीं कहते भाभी, कुछ चीजें भगवान के हाथों में होती है, हमारे हाथ में नहीं। और मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हुए देखे हैं जहाँ डॉक्टर ने ना कहा हो लेकिन उसकी बात में भी औरतें माँ बन जाती है। कैसी बात कर रही हो, मेरी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मेरा माँ बनना पॉसिबल नहीं है, मुझे झूठी उम्मीद मत दिखाओ। लेकिन भाभी, 7 साल हो गए आपकी शादी को, आप अपनी बच्ची को जन्म ना दे सके तो कोई बात नहीं, आप एक बच्चा गोद भी तो ले सकती है ना। इस बात के लिए मम्मी जी और सुमित कभी तैयार नहीं होंगे। ठीक है, कल सुबह मैं सबसे इस बारे में बात करके देखती हूँ। अगली सुबह चाय के वक्त अनन्या सबसे बात करती है। सुरभि भाभी की कोई औलाद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो एक बच्चा गोद भी तो लेकर आ सकती है ना। अरे किसी और का खून इस घर में लाने की क्या जरूरत है, और अगर ऐसा ही करना है तो अपने बबलू पिंकी है ना, उनको भी तो अपना बच्चा मान सकती है। उन्हें तो वैसे ही अपना बच्चा मानती है मम्मी जी, लेकिन उनकी खुद की अपने बच्चे की चाह तो तभी पूरी हो सकती है अगर जेठ जी और सुरभि भाभी एक बच्चा गोद लेकर आ जाए। ये तुम कैसी बात कर रही हो अनन्या, मैं भला किसी और के बच्चों को क्यों पालूंगा। अनन्या कुछ तो सोच समझ कर बोलो, बच्चे को गोद लेकर आने का मतलब समझती हो, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, जाने किसकी औलाद और किसका बच्चा, ऐसे उठाकर अपने घर ले आओ और फिर उसे अपना नाम दे दो, ये सब मुझे तो ठीक नहीं लगता। लेकिन मुझे इस पे कुछ गलत नहीं लगता। अच्छा तो फिर क्या लगता है तुम्हें, जरा हमें ठीक से समझाओ तो सही, क्या हो जाएगा बच्चा गोद लेकर आने से, हमारे घर में बच्चों की कमी तो है नहीं, तुम्हारे भी 2-2 बच्चे हैं, अगर ऐसे ही बच्चे खिलाने हैं तो उनको खिला लेंगे, अरे किसी और का बच्चा इस घर में लाने की क्या जरूरत है। ठीक है मम्मी जी, मैं आपको साफ साफ बताती हूँ कि क्या हो सकता है। मेरी एक सहेली थी, उसका भी कोई बच्चा नहीं था,
शादी के 4 साल बाद तक ऐसी ही परेशान होती रही और फिर अचानक एक दिन एक बच्चा गोद लेकर आ गई। आप माने न माने लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उसका अपना खुद का बच्चा भी पैदा हो गया। अनन्या, तुम्हारी बेकार की बातों पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। अरे जब डॉक्टर कह चुका है कि सुरभि को कभी बच्चा नहीं हो सकता, तो किसी और के बच्चे को गोद लेकर आने से अचानक उसको औलाद हो जाएगी? ये क्या बात हुई अनन्या? ठीक है चिट्ठी, अगर ये बात नहीं भी हुई तो कम से कम जो बच्चा आप गोद लेकर आएंगे उसी को अपना बच्चा मानकर पाल लीजिएगा। मुझे तो ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहे वैसे कर ले। मैं तो नहीं चाहती कि हम किसी बच्चे को अपने घर में लेकर आए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं तो ठीक है, जाओ ले आओ एक बच्चा गोद। निर्मला जी की परमिशन मिलते ही सुरभि और सुमित एक बच्चा गोद लेकर आ जाते हैं। धीरे धीरे सुमित को उस बच्चे से बहुत प्यार हो जाता है और उसे अपने सगे बच्चे की तरह पालने लगता है। बच्चा 6 महीने का हो चुका था और एक दिन सुबह के वक्त, पता नहीं सुमित कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ अजीब सा लग रहा है, कमजोरी महसूस होती है, सारा दिन थकान लगती है। हो सकता है तुम इस बच्चे का काम करती हो ना, पूरा दिन इसे संभालती हो इसलिए थक जाती होगी। सुरभि अपनी परेशानी लेकर अनन्या के पास जाती है। अरे भाभी आप लाइए, बेबी को मेरी गोद में दे दीजिए, मैं खिला लेती हूँ। वैसे आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं, तबीयत खराब है क्या? पता नहीं अनन्या, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे सारा दिन चक्कर आते रहते हैं, थकान होती रहती है। क्या बात है भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खुशखबरी है? कैसी बात करती हो, तुम जानती हो ना ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता भाभी, ये छोटा सा बच्चा आपकी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आया हो। चलिए ना हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अनन्या सुरभि को डॉक्टर के पास लेकर जाती है चेकअप करने के बाद। बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्या सुरभि भाभी प्रेग्नेंट है? नहीं, चेकअप करके तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है कि कमजोरी की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ ताकत की दवाइयां देती हूँ, आप खा लेना। घर आने के बाद, क्या हुआ अनन्या, तू तो बड़ी बड़ी बातें बना रही थी, सुरभि जरूर प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्या कहा डॉक्टर ने? मम्मी जी डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी जैसी तो कोई बात नहीं है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, बंजर जमीन पर कभी खेती नहीं होती, सुरभि कभी माँ नहीं बन सकती और इस बात को हमें मान लेना होगा। हाँ मम्मी जी आप ठीक कहती हैं, वैसे अनन्या ने मेरे लिए बहुत कोशिश की लेकिन माँ बनना मेरी किस्मत में ही नहीं है। 10 दिन के बाद सुरभि अचानक से चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। जल्दी से आइए, देखिए इसे क्या हुआ है, वो बेहोश हो गई है। सारा दिन इस बच्चे की सेवा में लगी रहती है, अपना तो होश ही नहीं है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मेरी एक जान पहचान का डॉक्टर है, मैं उसे घर पर बुला लेता हूँ। भाभी की हालत देखकर लगता नहीं कि हॉस्पिटल जाना पॉसिबल हो पाएगा। थोड़ी देर के बाद देवेश का एक पहचान वाला डॉक्टर उनके घर आता है। ये क्या, कैसे हुआ, ये तो प्रेग्नेंट है। अरे डॉक्टर साहब क्यों जले पर नमक छिड़ा कर रहे हैं, वह कभी भी माँ नहीं बन सकती, मुझे लगता है कोई और परेशानी होगी, जरा अच्छे से चेक करके बताइए। थोड़ी देर के बाद, ये तो कमाल हो गया, आप तो कह रहे थे कि आपकी बहू माँ नहीं बन सकती लेकिन वो तो पूरे 2 महीने प्रेग्नेंट है, और भगवान की दया से उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी ठीक है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, इसका मतलब मैं जो सोचती थी वो सही निकला, इस छोटी बेबी के आने की वजह से सुरभि भाभी माँ बन गई। अरे डॉक्टर साहब ठीक से चेक करिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। मैंने बिल्कुल ठीक से चेक किया है निर्मला जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है, मिठाइयाँ बांटिए मिठाइयाँ। अनन्या तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम में से किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी और कभी सुरभि और तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हारे विश्वास की वजह से ही असल में मैं अपने खुद के बच्चे का बाप बन पाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ। वो सब कहने की जरूरत नहीं है जेठ जी, बस आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप अपने इस गोद लाए हुए छोटे बच्चे को भी हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार करेंगे और दोनों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सुमित क्यों, हम सब इस बच्चे को हमेशा अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करेंगे, अरे इसी की वजह से तो खुशियां हमारे घर में लौट कर आई हैं।